योगी आदित्यनाथ को आप सुनते हुए जो कि पिछली सरकारों के कामकाज को लेकर सवाल उठाते हुए जाटलैंड में अमित शाह की बैठक के बाद माहौल पूरी तरीके से बदल गया है। बीजेपी नेता संजीव बालियान ने यह कहा है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी बड़े लोग हैं, हेलीकॉप्टर से आएंगे और चले जाएंगे, हम यहीं लोगों के बीच रहेंगे। जयंत चौधरी कह रहे हैं यही कैंप करेंगे। हम तो चाहते हैं कैंप करें, पर वो कैंप करते नहीं, फिर चले जाएं अगले दिन। आप देख लेना, हम भी अभी ये कितना के? अरे भाई बड़ा मुश्किल काम है, क्षेत्र में रहना, धक्के खाना, हेलीकॉप्टर से आना बड़ा आसान है, मजा आवे, 15 मिनट में कहीं पहुंचे। हमें तो यहाँ मोटरसाइकिल पे भी घूमना पड़े, कार में भी घूमना पड़े। अखिलेश यादव बड़े बाप के बेटे हैं, चौसा भी बड़े परिवार से राजनीतिक, वे जमींदार लोग हैं, बहुत जमीन है, काम करने की जरूरत नहीं, दिल्ली लखनऊ बैठे। हम छोटे से किसान हैं, इतने से हम तो रोज मेहनत करते हैं, रोज मेहनत अपने चाहते हैं फसल हमारी ठीक ठाक हो। योगी जी ने भी मेरे इंटरव्यू में बोला कि अखिलेश जी बड़े बाप के बेटे हैं, और आप भी बोल रहे हैं कि देखिए ये तो दोनों बड़े बाप के। इसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन है क्या? इस साल वो तो बताओ इन लोगों को। अखिलेश यादव तो मुख्यमंत्री भी रह लिए। अरे भाई क्यों बने थे, मेरा नंबर क्यों नहीं आया, अखिलेश का क्यों आ गया? भाई आप उसके पिताजी मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे ना, बड़ी मनाई पार्टी सौंप दी। जयंत सिंह जी वहां बैठे हैं, बड़ी मनाई पार्टी मिली है। एक दादा चौधरी चरण सिंह, इतना बड़ा नाम मिला है जिसका नाम लेकर हम भी राजनीति करते हैं, और क्या है भाई, हम धक्के खा रहे हैं, वो खा रहे हैं क्या धक्के? वो तो ठीक है बैठे हैं वहां, और चुनाव के टाइम पर 5 साल ट्वीट ट्वीट खेल लेंगे, विदेश में घूमेंगे अखिलेश यादव जी, चुनाव का टाइम आऊंगा घूमेंगे हेलीकॉप्टर में, उसमें हाय हाय करेंगे, बाय बाय करेंगे और चले जाएंगे। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने जयंत चौधरी पर निशाना साधा। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी ने जाट वोटों का ठेका नहीं ले रखा, जाट गलत गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। आज आपके घर पर बैठक हुई, मुलाकात हुई, बस एक शुरुआत कर रहा हूं एक ट्वीट से जो अभी जयंत चौधरी जी ने किया है, आपने संभवतः पढ़ लिया होगा सर। उन्होंने ट्वीट किया कि न्योता मुझे नहीं उन 700 किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए, रिजेक्ट कर दिया सर ऑफर। प्रवेश जी देखिए, हमने ना तो कोई उनको ऑफर दिया है, ना हमने कोई ऐसे कोई अपना न्योता दिया है। हमने तो माननीय गृह मंत्री जी ने एक केवल इतनी बात करी थी कि उन्होंने एक गलत घर का रास्ता चुन लिया है, और केवल इतना ही बोला है। अब आप वो इस बात को खुद ही न्योता मान लें और ऑफर मान लें, तो ऐसा पार्टी की तरफ से कोई न्योता ऑफर नहीं है। और वो क्योंकि युवा नेता हैं, एक अच्छे परिवार से, ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जिनका किसानों के लिए वो अपना संघर्ष रहा है, उसका इतिहास है, तो अभी भविष्य में 1 साल बाद 2 साल बाद कभी भी वो हमारे साथ में आना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। केवल इतनी बात बोली, तो वो आज ही आए, आज ही हमने उनको न्योता दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब वो भविष्य में आए अभी भी स्वागत है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, तो हम कोई भी किसी कोई अच्छे व्यक्ति, अच्छे युवा नेता को हम अपना क्यों मना करेंगे? अगर वो आना चाहेंगे, उनकी नीतियाँ, वो भी किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमारी पार्टी भी किसानों के लिए काम करती है, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाट समाज के लिए, वहाँ के किसानों के लिए, जो मगर वो समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करके ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा ही नहीं है। तो वो उन्होंने इसलिए गलत रास्ता चुना। अब वो आंकड़े अगर उनको समझ आ रहे होंगे कि उनके साथ में अलायंस करके आंकड़े फिट बैठते होंगे, तो वो गणित एक अलग है, मगर वो उसके साथ रहकर, समाजवादी पार्टी के साथ रहकर समाज का कुछ भला कर पाएंगे, किसानों का कुछ भला कर पाएंगे, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। और चुनाव परिणाम के बाद भी कोई संभावना, क्योंकि आपने ये भी कहा कि समाज के लोग उनसे बात करेंगे, तो क्या चुनाव के बाद भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या प्रवेश जी? देखिए, एक तो हमारी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनने के बाद भी वो अगर हमारी सरकार के साथ में काम करना चाहेंगे तो उनका स्वागत रहेगा। प्रवेश जी, आपने कहा कि गणित उनको सूट कर रहा होगा, इसलिए उन्होंने, वो कह रहे हैं न्योता, आपने कहा न्योता दिया ही नहीं, वो कह रहे हैं मुझे न्योता नहीं चाहिए, तो गणित उनको, ये गणित क्या आपको नुकसान पहुंचाएगा? जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये जो कहा जा रहा है कि ये आपके लिए बड़ा घातक है, जाट मुस्लिम साथ आ गए हैं और ये कॉम्बिनेशन हो गया अगेंस्ट यू, तो ये आपके लिए कोई चिंता का विषय? देखिए, जाट समाज अभी तक मुजफ्फरनगर दंगों को भूला नहीं है और ना कभी भूल पाएगा, और समाजवादी पार्टी में ये सब हुआ था और हजारों बच्चों के ऊपर में केस दर्ज हुआ था, कईयों की जान गई थी, कईयों को उत्तर प्रदेश से अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था। अगर सभी के केस ख़त्म हुए
तो वो केवल हमारी सरकार के कारण ही खत्म हुए, वरना आज भी सारे कोर्ट कचहरी के धक्के खाते रहते हैं। तो समाजवादी पार्टी में कोई न्याय किसी को कभी मिल पाएगा ऐसा कभी किसी को कोई गलतफहमी नहीं है, और जाट और मुसलमान वहाँ पर एक हो ही नहीं सकता, किसी भी सूरत में, किसी भी विधानसभा में नहीं हो सकता, ये मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। अलायंस के बावजूद बेशक SPRLD साथ आ गए हैं, जयंत जी अखिलेश जी के साथ चले गए हैं, फिर भी नहीं। तो जयंत चौधरी जी ने सारे जाट वोट का ठेका थोड़ी ना लिया हुआ है, वो अगर एक गलत पार्टी के साथ में अलायंस करेंगे तो जाट समाज उनके साथ क्यों जाएगा। और ये पांच तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, अमित शाह जो कि आज मथुरा में मौजूद है, मथुरा और वृंदावन में एक डोर टू डोर कैंपेनिंग करने के लिए पहुंचे हैं। वृंदावन में बाकी बिहारी मंदिर पहुंचे, पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की, ठाकुर जी का आशीर्वाद लिया और उसके साथ पुष्प वर्षा के साथ अमित शाह का स्वागत वहां के लोग करते हुए नजर आए। घर घर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत जिस तरीके से की गई है उसी को धार देते हुए अमित शाह नजर आ रहे हैं। घर घर जाकर योगी सरकार की तमाम उपलब्धियों, उनके कामकाज के बारे में जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बच्ची ने आज अमित शाह को जब माला पहनाने की कोशिश की तो उसी